कबाब बनेंगे और अचारी कीमा पुलाव की यहाँ पर मैं क्या करने वाली हूँ। ओहो बताइए, हम सेकंड रेसिपी पे आ रहे हैं ना। हम आगे अपनी सेकंड रेसिपी जो कि हम बनाएंगे अचारी कीमा पुलाव। इसके इंग्रेडिएंट मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे पास क्या क्या है। सबसे पहले तो हम एक काम ये करेंगे कि फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल ये डालेंगे इसके अंदर। आप चाहें तो वनस्पति भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डालेंगे हम इसमें आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है ना, 3/4 कप के करीब मैं इसमें शामिल करी। ये चला गया क्योंकि कीमा जो है, चिकन का कीमा है मेरे पास 1/2 kg और 1/2 kg ही मेरे पास यहाँ पर राइस है। इससे बेहतरीन कॉम्बिनेशन बनेगा और आपको बहुत मज़ा आएगा। ये गया प्याज, एक प्याज मीडियम साइज़ की। इसके अलावा साबुत गरम मसाला जिसमें कि जनाब ये तेज़पत्ता है, लौंगे हैं, दारचीनी, मतलब मैं हमेशा बताती हूँ ना कि जैसे 4-5 आप लौंगे ले लीजिए, 6-7 काले मिर्चें ले लीजिए, 1 बड़ी इलायची ले लीजिए, बादियान का फूल अगर आप पसंद करते हैं तो आप उसके अंदर शामिल कर सकते हैं। मैंने डाला है, डाल के इसको हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैं स्पून ले लेती हूँ, ठीक है जी। ये हो रहा है, फ्राई हो रहा है। फिर इसके अंदर हम क्या कुछ डालेंगे ये आपको बताते हैं। अच्छा, अभी मैं इसमें साबुत लाल मिर्चों का इस्तेमाल भी करूँगी। साबुत लाल मिर्च इसमें अच्छी लगती हैं क्योंकि इसमें हम वाइट मिर्च का पुलाव है तो हम वाइट मिर्च का इस्तेमाल करें। किसी को बहुत तेज़ी अगर चाहिए तो वो वाइट मिर्च इसमें जब पकी हुई होगी उसको तोड़ तोड़ कर उसमें मिला के खा ले तो अच्छा हो जाएगा, है ना। जिसको तेज़ मिर्च पसंद, जैसे कि अबील को। नहीं नहीं सब मुझे पता था आप इतनी तेजी से। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं भाई, मैं मिर्ची से बहुत दूर रहती हूँ, मुझे मुझसे नहीं खाया अच्छी जाता। बात है, कोई मिर्च आप चीज़ों में जायका नहीं लेके आती, बस आप इतनी डालें कि एक बैलेंस वे मेरे हाँ। चाहे वो सफ़ेद हो, लाल हो, काली हो, कोई सी भी हरी हो, आप कोई भी मिर्च डालें ऐसी होनी चाहिए जो टेस्ट इससे बैलेंस रहे। बहुत ज़्यादा जैसे तेज़ी मसाले की होती है या मिर्चों की होती है वो कोई टेस्ट नहीं डेवलप करती। बहरहाल अपना अपना टेस्ट है, लेकिन हाँ ना ज़बान पे लाएं। हाँ बिल्कुल ठीक है जी, चलिए कॉलर से भी बात करें। बिल्कुल बात करें। ये हो रहा है तो उसके बाद मैं डालूंगी इसके अंदर ये अदरक लहसुन का पेस्ट जो कि मेरे पास 2 टेबल स्पून है। आप कॉलर से बात करें, पानी मिक्स करती हूँ। आसिया जी हमारे साथ, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, नहीं आ रही आवाज। कहाँ दबाऊं, क्या हाल है? कहाँ दबाऊं, आवाज जो है ना सही पहुंची नहीं। ड्रॉप हो गई कॉल। हाँ हमें भी नहीं आ रही थी, मैं तो ऐसी हाल अहवाल भी पूछ लिया। चले आसिया जी दोबारा कॉल करें हम ताकि आपसे बात करें, और वो कॉलर तो डेफिनेटली कॉल करें जिनकी फरमाइश पे आज ये फिश कबाब बन रहे हैं। बिल्कुल, नाम तो आपा को याद अगर है, मुझे नहीं याद है। मुझे भी याद नहीं है वैसे कि किसने हमें कहा था, लेकिन बहरहाल आप देख रहे हैं तो ज़रूर आपको अच्छा लगेगा। अच्छा, इसके अलावा इसमें हम अब जैसे ही हो जाता है पहले मैं कीमा शामिल करूँ। कीमा मशीन का ले लें, हाथ का कुटा हुआ इसमें ज़रा ज़्यादा बेहतर रहता है। चिकन का कीमे का हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे। आप चाहें तो उसमें मटन या बीफ का भी कर सकते हैं, लेकिन बीफ आजकल बिल्कुल इस्तेमाल ना करें क्योंकि ऑब्वियसली आप सबको पता है कि बीफ में एक बीमारी आई हुई है तो उसका इस्तेमाल हम नहीं कर रहे। ये मेरे पास चिकन का है। इसके बाद बाकी के इंग्रीडियंट हम डालते रहेंगे। इसमें हम थोड़ी सी सौंफ का इस्तेमाल भी करेंगे। सौंफ से पुलाव में अच्छी खुशबू आती है, लेकिन अगर नहीं तो हम थोड़ा सा अचार की मिकदार को ज़्यादा कर सकते हैं। ये मेरे पास अचार मौजूद है, ये मिक्स अचार है मेरे पास, तो ये मैं डाल रही। आप जो भी अचार आपके पास है आप वो डाल सकते हैं, मिर्चों का डालें या आम का डालें या लीमू का डालें, जो आप बदल जाता है, लेकिन एक प्रॉपर उसमें डालिएगा। बहुत ज़्यादा आपने भर के नहीं शामिल करना, थोड़ा सा इसका कलर और आ जाए क्योंकि पुलाव का कलर होता है ज़रा सा गोल्डन सा होता है तब वो बहुत अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा डार्क जो है कलर वो अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा ब्राउन करेंगे ना, हल्का सा ब्राउन करेंगे। ठीक है, हम कॉलर लें जी। बिल्कुल आप लीजिए, जैसी ही प्याज हो जाती है मैं आपको दिखाऊंगी, मैं साथ ही इसमें कीमा शामिल कर दूँ। सना जी फ्रॉम शेखुपुरा, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, दिलप से कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी है? ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। आप बात बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू सो मच। और बताएं क्या कहेंगी जी? आपका शो बहुत अच्छा है, मैं लाइक करती हूं, रेसिपी ट्राई भी करती हूं। हां क्या मशहूर है सबसे ज्यादा आपका हाथ का बना कोई रेसिपी जो बड़ी फेमस हो फैमिली में कि पसंद की जाती है? मैं बिरयानी। बिरयानी? हां बिरयानी, चले गुड, जबरदस्त। और बताएं कुछ कहना है, कुछ पूछना है? अब इतना वॉल्यूम स्लो है कि हम इधर इधर शोर ज्यादा हो रहा है, आपकी आवाज़ हाँ। और स्लो आ रही है, स्लो आ रही है बात ना। अब बोले क्या कह रही थी, क्या चीज गई, क्या कॉलर? मुझे ऐसी लग रहा है वो चली गई। हमसे सॉरी, हमारी टीम ने सुना है
कि क्या बात कह रही थी। चले हम ब्रेक में बताइए। बिल्कुल। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने कीमा, अदरक लहसुन का पेस्ट, दोनों चीज़ें शामिल कर दी। अब बारी आती है कि यहाँ पर हम नमक शामिल, नमक डालेंगे हम यहाँ पर चावल के लिहाज से हाफ के जी राइस से, हाफ के जी कीमा, तो उसमें 2 टीस्पून हम भर के डालेंगे। ठीक है, कम ज़्यादा अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, लेकिन चूंकि इसके अंदर हम अचार भी शामिल करेंगे तो ऑब्वियसली अचार में भी नमक होता है, तो मैं थोड़ा सा इसमें और डालूँ। लेकिन इसका एक तरीका ही होता है कि जब चावलों को आप दम पे रख रहे हो उस वक्त आप नमक टेस्ट करेंगे तो आपको फौरी तौर पर पता चलेगा कम है या ज़्यादा। ज़्यादा है तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन कम है तो आप डाल सकते हैं। चलिए जी, वाइट पेपर पाउडर ये मैं डाल रही हूँ इसमें तकरीबन 1.5 टीस्पून के करीब। ठीक है, ये चला गया। इसको हम भूनते भी जाते हैं, साथ ही इसमें शामिल करेंगे हम क्या चीज़, दही शामिल करेंगे। ये देखेंगे कीमा अच्छा सा हो रहा है और कीमे को पकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। अचार मेरे पास मिक्स वाला है, मैं इसके अंदर मिक्स करती हूँ ज़रा अच्छी तरह से। देखिए कीमा पकने में बिल्कुल टाइम, विद इन नो टाइम कीमा जो है तैयार हो जाता है, बेहतरीन से खुशबू आना शुरू हो गया। अच्छा, सौंफ भी मैंने इसके अंदर डाली थी, वो डाली थी मैंने 1 टीस्पून। ठीक है, अब ये गया इसमें राइस। बिस्मिल्लाह, ये राइस मेरे पास है बासमती राइस है, जिसको मैंने 20-25 मिनट के लिए मैंने इसको भिगो दिया था। इट्स अप टू यू कि आप कितने राइस को भिगोते हैं या आपके घर में कौन से वाले चावल इस्तेमाल किए जाते हैं, उसी हिसाब से आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, तो मेरे पास जो है वो 15-20 मिनट में ही बेहतरीन हो जाते हैं। अभी मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। ये गैस में पानी, बेहतरीन सा कीमा पुलाव जनाब तैयार होने के लिए जा रहा है। अभी मैं थोड़ा सा टेस्ट करूँगी, मुझे लगेगा अचार कम है तो मैं थोड़ा सा और डाल दूँगी। ये मैंने थोड़ा सा बचा लिया था, मुझे लगा था कि बहुत ज़्यादा ना हो जाए। इसके अलावा डालेंगे इसमें हरी मिर्चें, हरी मिर्चों के हम ही निकाल लेते हैं। हरी मिर्चें 5-6 हरी मिर्चें इसके अंदर जितनी आप डालना चाहें। अब आप देखिए इसमें कितनी हरी मिर्चें, लाल वाली भी काफ़ी हैं, हरी वाली भी हैं और वाइट पेपर, वाइट पेपर भी इसके अंदर डाला था। अभी लेमन स्लाइसेस हैं मेरे पास, वो हैं, इसके अलावा हरा धनिया है। ये हम थोड़ी देर बाद डालेंगे इसके अंदर, जब ये बिल्कुल मैं इसको दम पे डालूंगी। ठीक है, ये अभी इसमें उबाल आने देते हैं। चलिए, जब तक उबाल आ रहा है हम कॉलर से बात करते हैं। वापस आ गए आसिया जी लाहौर से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। ये पहले इन्होंने की थी ना कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल हैं? ठीक है, शुक्र अल्लाह। और बताएं क्या कहेंगी? मैं मिली थी लाहौर में ना आपसे। है, अरे वाह, चले हमारी तो आपकी मुलाकात भी हो गई, जबरदस्त हो गया। हाँ, तो गिफ्ट दिए थे मैंने आपको, आपने वो देखे थे? पिक्चर्स ली थी, गिफ्ट दिए थे आप? ओ, हमने वैसे आपने गिफ्ट दिए थे, हमने दिए थे। अच्छा अच्छा, थैंक यू सो मच। अच्छा वैसे सो सॉरी, असल में वहाँ पर इतना हलचल थी। हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, तो मुझे याद नहीं कि जब दिए थे तो वो आपका वाला कौन सा था, क्या था। फिर भी थैंक यू सो मच, जो आपने दिया हमारे दिल के बहुत करीब है। आपसे बहुत सारा प्यार, बहुत सारा शुक्रिया कि आपने।